हेलो व्यूअर्स, आज से कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 की शुरुआत होने जा रही है और इस लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका पहला मैच आज शाम 7:30 बजे से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो भाई, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में। दोस्तों, सीएलजी अपने फैंस की नजरों में जाना जाता है सटीक मौकों पे सटीक प्रेडिक्शंस के लिए और आज का हमारा एनालिसिस है कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 का पहला मैच जो कि खेला जाएगा बागो और गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के बीच ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में। दोनों ही टीम्स सुनील नारायण, निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, हिटमायर, इमरान ताहिर जैसे नामी T20 प्लेयर्स से सजी हुई है। आपको बता दें कि ये स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए सिर्फ एक एनालिसिस है और क्रिकेट तो वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर हो सकता है, लेकिन मैच इसी एनालिसिस के आसपास रहना चाहिए। किसकी टीम का है पलड़ा भारी, कौन हो सकता है सबसे दमदार बैट्समैन या फिर कौन उखाड़ सकता है ओपोनेंट्स की गिल्लियां, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ अगर आप हैं क्रिकेट के दीवाने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मिलती रहे हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए फटाफट आपको पिच कंडीशंस का ओवरव्यू दे देते हैं। भाई, मैच में बारिश की भारी संभावना है तो ऐसे में आपको पूरा मैच देखने को मिले ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि पिच काफी हद तक बैटिंग फ्रेंडली है और ऐसे में बारिश बॉलर्स के लिए आग में घी डालने का काम कर सकती है और इसीलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना चूज कर सकती है। बारिश को देखते हुए DLS के लिहाज से भी सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी पहली टीम यानी कि त्रिनिदाद नाइट राइडर्स के बारे में। इनका पिछला सीजन कुछ खास नहीं गया था लेकिन इस बार अधिकतर मैचेस इनके होम ग्राउंड में हैं तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले और ऐसे में टीम के सीनियर प्लेयर्स लिंडल सिमंस, डेरिन ब्रावो और पोलार्ड का फॉर्म में आना क्रूशियल है। यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर कॉलिन मुनरो और टिम साइफर्ट भी बैटिंग लाइनअप को मजबूती दे सकते हैं। बात अगर बॉलिंग अटैक की करें तो सुनील नारायण, फवाद अहमद और कैरी पियर्स स्पिन अटैक संभालते हैं, वहीं जेड सील्स और अली खान फास्ट बॉलिंग अटैक की अगुवाई कर सकते हैं। ये तो था त्रिनिदाद टीम का ओवरव्यू। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम गुयाना अमेज़न वॉरियर्स की ओर। त्रिनिदाद के मुकाबले गुयाना में यंग ब्रिगेड देखने को आपको मिल सकती है। हिटमायर, पूरन और रदरफोर्ड जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के साथ साथ अनुभवी रॉस टेलर इस टीम में स्टेबिलिटी लाते हैं और जिसके कारण ये पूरे CPL T20 की सबसे पावर पैक बैटिंग लाइनअप बनती है। बॉलिंग लाइनअप को इमरान ताहिर लीड कर सकते हैं और पोलार्ड और ताहिर के बीच का टशन भी हो सकता है आपको इस मैच में देखने को मिले। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। गुयाना अमेज़न की बात करें तो ब्रैंडन किंग, सी हेमराज, शेमरॉन हिटमायर, रॉस टेलर, निकोलस पूरन, शेफन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, क्रिस ग्रीन, रोमेरियो शेफर्ड, नवीन उल हक और इमरान ताहिर संभावित प्लेइंग 11 हो सकते हैं। वहीं त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की तरफ से सुनील नारायण, लैंडल सिमंस, कॉलिन मुनरो, टिम साइफर्ड, टियॉन वेबस्टर, कायरन पोलार्ड, डीजे ब्रावो, खैरी पियर्स, फवाद अहमद, एम अली खान और जेड सील्स इस सीजन के पहले मैच में अपनी जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट कैरेबियन प्रीमियर लीग का। तो भाई, कमेंट सेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या क्या और हो सकता है। हम फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।